धान खरीदी केंद्र उकवा में आज से लाना शुरू किया किसानों ने धान। मायल नगरी उकवा के अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के द्वारा 3 धान खरीदी केंद्र संचालित किए गए हैं, जो कि शासन के आदेश है कि 16 नवंबर 2020 से 16 जनवरी 2021 तक समर्थन मूल्य 1868 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाना है। कृषकों के द्वारा आज से धान लाना शुरू किया गया है। कुछ कृषक एवं जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में धान खरीद आना प्रारंभ कर दिया गया है। भाजपा मंडल कुआं के अध्यक्ष अमित बिसेन ने बताया कि शासन के द्वारा कृषकों के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं निकाली जा रही है। इसी के तहत 1868 रुपए क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। प्रति वर्ष धान की कीमत बढ़ाई जा रही है, जिससे कि कृषकों को लाभ मिल सके। इसी तरह खान प्रबंधक उकवा नीलेश खेड़ेकर ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है, जो कि बालाघाट जिले में प्रतिदिन 30 से 40 मरीज निकल रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन की गाइडलाइन के अनुसार धान खरीदा जाए, क्योंकि यह बीमारी बहुत ही खतरनाक है। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धान खरीदी केंद्र में उपस्थित खान प्रबंधक नीलेश खेड़ेकर रेड्डी साहब, अमित बिसेन, जेम्स बारिक समिति प्रबंधक खुमान पटले, धान खरीदी प्रभारी शिव पारधी, रमेश मेश्राम, जगदीश मेश्राम, अंकित बिसेन, मुरलीधर नरसवानी, कृषक एवं जन प्रतिनिधि उपस्थित थे। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। यहाँ पर धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन हुआ। सरकार किसानों के लिए बहुत सारी योजना निकालती है, ठीक है। आज जो धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन, इस सरकार इस किसानों को क्या लाभ मिला? देखिए, धान खरीदी जो आज शुभारंभ हुआ, उसमें किसानों को ये फायदा है कि सरकारी मूल्य पर सरकार किसानों को धान क्रय करेगी और सरकारी मापदंड के अनुसार ये इसमें किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं करती जाएगी। और किसानों से मेरा विशेष अनुरोध है सरकारी विभाग के कर्मचारियों से कि किसानों से किसी भी तरह से अभद्र व्यवहार ना किया जाए, ये प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए और सरकारी मापदंड से ही धान खरीदी जाए।